Allow me to complete. The verbatim people of this country. People of the country have chosen him as the prime minister. मेरा नाम एसएम जफर इकबाल है और हम सामुदायिक संवाददाता हैं। दूसरे संवाददाता से हम अलग कैसे हैं? हमारे काम का मकसद लोगों को सहूलियत पहुंचाकर उनके दरपेश मुश्किलात को हल करना है, जिसमें सरकार और सरकारी अफसरों के साथ बहस मुबासा करना पड़ता है ताकि लोगों के मुश्किलात का हल निकल सके। हम अपने कैमरे की मदद से उनका जो मुआवजा राशि है वो हम वहाँ पे पहुँचाते हैं, दिलवाते हैं। हम ऐसे स्टोरीज को कवर करते हैं जिसने ना तो कोई सुना होता है और ना ही किसी ने देखा होता है। इस अनहर्ड स्टोरी का यह है कि एक ऐसी स्टोरी जिसकी वजह से स्टेट की पॉलिसियों पे उंगली उठती हो। तो हम एक संवाददाता के तौर पे ही काम नहीं कर रहे हैं, हम एक कहिए कि इबादत जो कहते हैं उस ढंग से भी काम कर रहे हैं। पॉलिटिकल प्रेशर का सामना करना पड़ता है, धन और विचारों से अगर बात नहीं मानी जाती तो धमकाया जाता है और शारीरिक पीड़ा देने का प्रयास होता है। अप्रत्यक्ष रूप में पुलिस प्रशासन के दबाव का भी सामना करना पड़ता है। बाकी संवाददाता पेड न्यूज अर्थात वो अपने फायदे के लिए लोगों को गुमराह करने में ज्यादातर सक्षम साबित हुए हैं। अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए या किसी और को डराने धमकाने के लिए काम करते हैं, पर हमारा काम सीधे पीड़ितों को उस संकुचन से बाहर करते हुए समुदाय को जोड़ता है और समुदाय सरकार को चुनौती देता है, जो सरकार धारा पर काम करने के बजाय कागजों पर काम करने की महारत हासिल किया हुआ है और मीडिया लोगों को मुख्य एजेंडा से गुमराह करने का काम करती रही है।